ट्विन सिटी भिलाई दुर्ग सहित प्रदेश के 7 शहरों में जल्द ही सड़कों पर सिटी बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों से जानकारी मंगाकर कंडम पड़ी सिटी बसों को सुधारने के लिए फंड जारी करने का निर्णय लिया है। पुराने टेंडर को निरस्त कर नया टेंडर बुलाने की तैयारियां भी की जा रही है। सिटी बस के रखरखाव की ओर ध्यान नहीं दिए जाने से डिपो में खड़ी बसों से चक्का टायर इंजन तक की चोरी हो गई है। प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में सिटी बस की सेवा पुनः बहाल करने का निर्णय लेकर उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी में जुट गई है। एक जानकारी के अनुसार उक्त सिटी बस के रखरखाव की ओर ध्यान देने का यह प्रतिफल मिला कि 300 करोड़ की क्षति उठानी पड़ी थी। बसों की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड का कहना है कि 4-5 युवक बलात् प्रवेश कर मारपीट कर चोरी करते हैं। नगर पालिक निगम के आयुक्त पीसी सारवा ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि 300 करोड़ से अधिक की क्षति उठानी पड़ी है। अब सिटी बसों के परिचालन की खबर उत्साहजनक है। सिटी बस प्रारंभ करने के लिए हमने राज्य शासन को पत्र लिखा था। राज्य शासन से हम CRAP जारी करने के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और हम लोग सामान्य सभा की बैठक में जिला अर्बन सोसाइटी की बैठक में अप्रूवल हो चुका है। जल्दी इसके RFP जारी करें और RFP जारी होने के बाद जो एजेंसी आएगी तो हम जल्दी ही सिटी बस प्रारंभ करने तैयारी हैं। कितने बसेस दुर्ग अर्बन सोसाइटी में लगभग हमारे पास 69 बसेस हैं जिसको अपन रूट चार्ट का अनुमोदन कराने के बाद में इसको सिटी बस चलाएंगे। कोविड के समय 2 साल पहले ही हमारी कोविड-19 प्रभावित होने के कारण सिटी बस खड़ी हुई थी, जिस कारण से बहुत सारे उसके इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जे खराब हो चुके हैं। इसलिए कुछ बसें मेंटेनेंस में हैं, मेंटेनेंस होने के बाद हम उसको चालू करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना काल और इसके पहले ही प्रदेश के कई शहरों में सिटी बस सेवा का संचालन बंद हो चुका था। पिछले 2 साल में सिटी बसें खड़ी खड़ी कंडम हो गई हैं और कई बसों के पार्ट्स भी चोरी में चले गए हैं। राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, कोरबा, भिलाई, चरोदा सहित 21 क्लस्टर के 71 शहरों में जल्द ही सिटी बस सेवा के संचालन का अहम निर्णय लिया है। बहुत जल्द ही इन शहरों की सड़कों पर लोगों को सिटी बसें चलती हुई नजर आएंगी और लोगों को आवागमन के लिए सस्ता एवं सुलभ साधन मिल सकेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।